फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कनलिता जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि पिछले दो ट्रेनिंग सेशन से ग्वार गम और ग्वार सीड 11,400 के ऊपर ग्वार गम है और 6,300 के ऊपर ग्वार सीड ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से तेजी और बनेगी या फिर यहाँ से करेक्शन बनेगी या फिर यहाँ पे ऐसी उठापटक जारी रहेगी? अखिलेश जी, मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव और अपनी कैलकुलेशन के आधार पर, जनवरी महीने के अंदर सर्वाधिक जनवरी कह लें, फरवरी की शुरुआत कह लें, ये एक पीरियड ऐसा महत्वपूर्ण पीरियड होगा जो गवार सीट के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी लेके आएगा और ये पीरियड ही अगली तेजी या मंदी का निर्णायक बोर्ड साबित होगा जी। क्योंकि गवार सीट के फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने आपसे विशेष चर्चा पहले भी की है, दोबारा भी आपसे बात कर लेता हूं, लेकिन निर्णायक मोड जो है, क्योंकि यदि हम गवार को देखें कि गवार का लगभग 4,100-4,500 रुपए का भाव और फिजिकल के अंदर ये पिछले 1.5 साल से यदि देखें पहले का समय, तो उस समय लगभग ये 3,500-3,600 से और 4,200 के बीच में ट्रेड कर रहा है और उसके खिलाफ यदि देखा जाए तो ये 6,200 भाव है, 6,000 से ऊपर के भाव जो एनसीडेक्स पे अभी चल रहे हैं, तो पिछले यदि एवरेज भाव देखें 5 साल से 8 साल के 10 साल के भाव, उसके मुताबिक ये अच्छी तेजी दर्ज हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना सा ये रहता है, क्योंकि गवार जब तेजी दिखाता है या मंदी दिखाता है, जब तेजी दिखाता है तो इतनी तेजी दिखा देता है कि आसमान भी छोटा पड़ने लगता है और जब नीचे गिरावट करता है तो बिल्कुल ऐसा कर देता है कि 5-7 साल, 8 साल, 9 साल इसकी कोई सुधी नहीं होती और ये बिल्कुल बेसुध और साइड में पड़ा रहता है। तो ये इसकी एक जो विशेषता है, उसी विशेषता के आधार पर किसान है या कारोबारी है ये एक्सट्रीम लेवल पर इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करता, क्योंकि यदि 4,000 का भाव देखा जाए तो आप 6,600-6,700 का भाव चल रहा है तो इसके अंदर एक अच्छी तेजी दर्ज हो ही चुकी है कि इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी आ रही है। 6,347 का भाव अभी चलता है, 6,356 का हाई है, तो ये 6,300 यदि 4,000 के हिसाब से देखें तो लगभग 50% से अधिक की तेजी दर्ज हो चुकी है और गवार गम के अंदर भी देखें 11,400 के आसपास का जो भाव चलता है, तो कुल मिला के यदि आंकड़ों की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई उससे तथ्य निकलेगा नहीं, क्योंकि गवार के कारोबारी है और गवार के किसान उत्पादक इसको हाईएस्ट और सुपर बुलिश मूवमेंट देखने की उम्मीद उनके पास होती है। तो यही मैं कहूंगा कि गवार सीड के अंदर अब थोड़े से बच के चलना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो निर्णायक मोड साबित होगा कि क्या गवार 8,000, 7,500, 7,000 के स्तर पर पहुंचेगा या फिर नीचे ये फिर ये 5,000 से नीचे चला जाएगा या 5,800 से नीचे चला जाएगा, 5,500 से नीचे चला जाएगा, ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहूंगा कि जो छोटे कारोबारी है उनको बचना चाहिए, जो दिल के मजबूत हैं, को रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अंदर वो झेल सकते हैं, उनको गवार के अंदर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आज गवार के अंदर थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि जनवरी और फरवरी की शुरुआत कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार कॉम्प्लेक्स में आगे जाके तेजी की ओर जाएगा या मंदी की ओर, इस दिशा को तय करेगा जनवरी और फरवरी का महीना।